होगा कि अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से फिर एक नोटिस जारी हो गई है जिसको लेकर सभी छात्रों की उथल पुथल मची हुई है, वो भी प्रमोटेड छात्रों के ऊपर। जो नोटिस आई वो प्रमोटेड छात्रों के लिए आई है, चाहे वो बीए का हो, बीएससी का हो, बीकॉम का। हेलो साथियों, नमस्कार, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से अभी अभी एक नोटिस जारी हुई है, आप लोगों के पास वो नोटिस फॉरवर्ड भी हो चुकी है, और जिस वजह से छात्रों के बीच और छात्र जो छात्राएं हैं सभी के बीच बहुत उथल पुथल की स्थिति बन चुकी है। ऐसा साथियों, आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय पिछले 2-3 दिनों से लगातार अलग अलग नोटिस जारी कर रहा है। जैसा कि पहले जारी किया कि नोटिस सभी छात्र 1 मई से अपना जो सब्जेक्ट अलॉटमेंट है वो कराएंगे, आप सब्जेक्ट जाके चूज करेंगे कॉलेज में, जो भी डॉक्यूमेंट्स देना था। लेकिन फिर वह नोटिस, कहा गया डीन ऑफिस की तरफ से नोटिस आई कि बीए वाले जो भी छात्र हैं और अदर कोर्सेज वाले वो सभी अब 1 जुलाई के बाद से सभी लोग आएंगे अपना सब्जेक्ट अलॉटमेंट करवाने। उसके बाद ये दूसरी नोटिस थी। उसके बाद जो तीसरी नोटिस आई आज के लिए कि आज जो 5 मई तक आपको सब्जेक्ट अलॉटमेंट करवाना था, वो सब्जेक्ट अलॉटमेंट 5 मई तक नहीं, 10 मई के अंदर आपको करा लेना है। ये अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से नोटिस आई है। तो जिस वजह से छात्रों के बीच बहुत ज्यादा एक प्रकार से कंफ्यूजन हो गया है, भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, जो कि छात्र बहुत ज्यादा मेरे पास इतने मैसेज कॉल और अन्य भी जो भी हमारे साथी हैं कह रहे हैं बार बार कि क्या कब कैसे होगा, मतलब कुल मिला के एकदम परेशान हो चुके हैं सभी लोग। और बहुत सारे लोग इस वजह से परेशान हैं कि कुछ लोग यहाँ से घर जा चुके हैं इस वजह से कि जो पिछली नोटिस थी उसके मुताबिक 1 जुलाई से आना था और सब्जेक्ट अलॉटमेंट करवाना था, लेकिन अभी जो नई नोटिस आज की अभी आई है उसके मुताबिक यह है कि 10 मई तक आप लोगों को सब्जेक्ट अलॉटमेंट करवाना है। और आप लोग बता दें, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, सब्जेक्ट अलॉटमेंट ऐसा नहीं होगा। पहले थर्ड ईयर, ये सिर्फ मैं नोटिस जो दे रहा हूँ, ये द्वितीय वर्ष के जो प्रमोट छात्र हैं सिर्फ उनके लिए, क्योंकि जो सेकेंड ईयर के छात्र प्रमोट हुए हैं वे सभी अब थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए, सब्जेक्ट अलॉटमेंट के लिए अपना 2 सब्जेक्ट चूज करेंगे। और जब 2 सब्जेक्ट आप लोग विकल्प के रूप में लेंगे, उन सब्जेक्टों लेने से पहले आपको क्या करना होगा, थर्ड ईयर की फीस पेमेंट करनी होगी। और फीस का जो साइट है वो अभी खुला ही नहीं है, चाहे वो विश्वविद्यालय मेन कैंपस हो चाहे उसके संबंधित महाविद्यालय और कॉलेजेज हो, इस वजह से आपको पहले नंबर परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी नंबर बात आपको बता दें, जो छात्र इतना परेशान है 10 मई के अंदर कैसे हम लोग क्या करना है, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो पहली नंबर उसका जो सिस्टम है एकदम भ्रष्ट है कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से नोटिस निकल रहा है। और बीएससी वालों का अलग नोटिस आई है, जो बीएससी के द्वितीय वर्ष के प्रमोट छात्र हैं उनका कार्य चल रहा है, उनका सब्जेक्ट अलॉटमेंट हो रहा है साइंस फैकल्टी में, ऐसा सूचना आ रही है और ऐसा नोटिस भी आया था। और कला संकाय के जो है, जो बीए वाले हैं और जो बीकॉम वाले हैं, ये सभी अभी इसी स्थिति में है कि 1 जुलाई से होगा कि 5 मई डेट आज लास्ट थी, ऐसे वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। तो मैं आपको कंफर्म बता दूं, आप सभी एक बार जो आज नोटिस आई है इस पे परेशान मत होइए, क्योंकि जब तक आप ये वेट करिए कि थर्ड ईयर की पेमेंट के लिए, जब ऑफिशियली साइट खुल जाएगी थर्ड ईयर के भी फीस पेमेंट हो नहीं रहे, आप वेबसाइट पे चेक करेंगे तो पेमेंट नहीं कर पाएंगे जो द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष में गए हैं, पहले वो फीस पेमेंट करेंगे फिर सब्जेक्ट अलॉटमेंट करेंगे। तो आप इतना परेशान मत होइए कि 10 मई लास्ट डेट है कि 10 मई के अंदर हमको सब्जेक्ट अलॉटमेंट करवाना होगा, नहीं तो हमारा सब्जेक्ट अलॉटमेंट नहीं होगा, पहले फीस पेमेंट करना होगा, ये बात ध्यान दे लीजिए। दूसरी नंबर बात, जो 1 जुलाई वाली नोटिस थी उसको बहुत सारे लोग परेशान हुए उसको लेकर के, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से अभी जो नोटिस आई इसको लेकर भ्रम बन गई है। तो ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की लापरवाही है जो छात्रों के बीच इतना उल्टा सीधा नोटिस जारी कर रहा है, और इस वजह से छात्र बहुत परेशान हो गए, क्योंकि बहुत सारे छात्र थोड़ी सी नोटिस की वजह से यहाँ इतनी दूर से 500-600 किलोमीटर दूसरे स्टेट से जो आए हैं इलाहाबाद, वो चले जाते हैं गांव अपना बुर्ज बिस्तर लपेट के। हाँ, उसके बाद परेशानी यह हो जाती है कि वो फिर से आए और सब्जेक्ट अलॉटमेंट करके जाए, तो ये सारी स्थिति सबसे ज्यादा परेशान करती है। तो आप सभी परेशान मत होइए, अभी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कोई भी कॉलेज यदि सब्जेक्ट अलॉटमेंट का कार्य कर रहा है, अभी तो नहीं कर रहा है, आज तक नहीं किया, अगर कल से करता है तो आपको मैं नोटिस दूंगा अपने इसी चैनल के माध्यम से, और चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जो ना किया हो। उसके अलावा और आपको बता दें, अगर फीस पेमेंट का साइट भी खुल जाता है थर्ड ईयर के पहले फीस पेमेंट करेंगे आप लोग, अगर फीस पेमेंट करके का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है तो मैं वो भी बता दूंगा, चाहे अफिलिएटेड कॉलेज व मेन कैंपस का हो। तो इस वजह से आप लोग एकदम निश्चिंत रहें, घर पे हैं तो घर पे रहें, इलाहाबाद में है तो इलाहाबाद में रहें, परेशान मत हो। और जैसे ही पेमेंट के लिए खुलेगी साइट मैं बता दूंगा, और उसके अलावा
आप सभी जो सोच रहे हैं 10 मई के अंदर कैसे हम लोग करवा पाएंगे, डॉक्यूमेंट्स जो है सारी चीजें आपको बता दिया जाएगा। पहले शुरू तो अभी शुरू नहीं हुआ, 50 नोटिस जारी हो गई, जिस वजह से एकदम परेशान हो गए हैं सारे छात्र, और इतना ज्यादा हम लोग भी परेशान हो गए क्योंकि बहुत सारे कॉल मैसेज आप समझ सकते हैं कि इतने ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं पूछते पूछते कि यह स्थिति हो जाती है। आप लोग समझ गए। और एक चीज और जो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों की फीस सब्जेक्ट अलॉटमेंट होने के बाद जो क्लासेस चलेंगी वो 4 जुलाई से चलनी है। जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट इस बार रहेंगे, जो प्रमोट होकर थर्ड ईयर में जा रहे हैं, इनकी क्लासेस जो थर्ड ईयर की चलनी है वो 4 जुलाई से चलनी है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय नोटिस निकाला है 6 जुलाई तक विश्वविद्यालय बंद रहेगा। अब आप बताइए कि 31 जो मई से विश्वविद्यालय बंद होगा और वो भी 6 जुलाई तक बंद होगा, 4 मई से लोग क्लासेस चलवाएंगे। पहले नंबर नोटिस इनकी देख लीजिए आप लोग, और वो भी वो अपने हिसाब से मिनट्स वगैरह जारी होते हैं, वो चीजें ठीक है। 4 मई से नहीं 10 मई से चल जाएंगे क्लासेस, वो भी ठीक है, क्लासेस के लिए दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन आगे पीछे चल जाए। लेकिन सब्जेक्ट अलॉटमेंट का कन्फर्म नोटिस नहीं दिया है और उसकी वजह सब परेशान हो गए। तो आप लोग परेशान मत होइए, पहले फीस पेमेंट होगा, और ये मत सोचिए 10 तारीख के अंदर हो जाएगा ये सब्जेक्ट अलॉटमेंट, नहीं हो पाएगा, ये लिख लीजिए। और डेट भी बढ़ेगी, नोटिस भी रद्द होगी, और उसके अलावा आप सभी इंतजार करके पहले फीस पेमेंट करना होगा। और आप सभी अब इस वजह से बहुत परेशान हो जाएंगे कि फीस कितनी लगेगी। अरे भैया बाबू साहब लोग, फीस बहुत ज्यादा नहीं लगती इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, उसी के हेर फेर में कुछ लगेगा। अब तो 2 ही सब्जेक्ट है, शायद कम ही फीस लगेगी, तो बहुत ज्यादा फीस नहीं लगेगी, समझिए जितना सेकंड ईयर फीस लगा था उसी के आसपास में फीस लगनी है। और आप सब उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होगी, थर्ड ईयर कितनी फीस लगेगी, थर्ड ईयर कितनी, तो फीस के लिए मत परेशान होइए, जितनी फीस लगेगी और जब से फीस पेमेंट होने लगेगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय या उसके अफिलिएटेड महाविद्यालयों में उसके साइड पर, तब मैं आपको नोटिस दे दूंगा और ये भी बता दूंगा किस कोर्स के लिए कितनी फीस लग रही है। बाकी जो भी आपको कमेंट बॉक्स में पूछना हो पूछ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली नंबर बात ये बता दे कि सभी के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सभी के मन की जो ये भ्रम है वो दूर हो सके, क्योंकि छात्र इसी में वजह से परेशान है, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और कुछ मैं भी डिस्टर्ब हो गया इतना ज्यादा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नोटिस देख करके। और मैं पिछले कई दिनों से इसीलिए वीडियोज नहीं ला रहा हूँ, और क्योंकि इधर से उधर नोटिस पे नोटिस दे रहा है, और आज जब इतना हुआ कि अब छात्र इतना ज्यादा परेशान हुए उसके लिए नोटिस लाना पड़ा। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि मैंने सारी चीजें बता ही चुका है, और बाकी जो भी चीज हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।